हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आते हैं कि सर हमारे जो जीके जो बहुत कमज़ोर है, यानी जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हो बीडीओ एग्ज़ाम की, तो उसमें ये सवाल आता है बच्चों का कि जो मेरा जीके है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कि 15-20 से ऊपर क्वेश्चन आपके मतलब यानी कि सही नहीं होते, तो मैं क्या करूँ? तो दोस्तों, इसके लिए क्या काम करना है? अगर देखिए, मान लो आप जीके आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो देखिए दोस्तों, बिना जीके की तैयारी की आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। यानी जिस चीज़ जो आपकी कमज़ोर है उससे आप जितना पीछे भाग मतलब पीछे छुड़ाना चाहोगे उतना वो आपके सामने आएगी, ये चीज़ समझनी होगी। और दोस्तों, अगर देखिए मान लो आपको वीडियो में सिलेक्शन पाना है, तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे जीके में। अब देखिए, बहुत सारे चैनल बोलते हैं कि 45 क्वेश्चन सही करने हैं, इतने होने चाहिए, इतने टारगेट रखो। तो दोस्तों देखिए, आप रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, उसमें आप 45 क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन जीके में अगर जो बंदा आपका यूपीएससी तैयारी कर रहा होगा वो 45 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इतना नहीं होता, 30-35 के आसपास टारगेट चलिए, इतना आपको सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए कैसे सही होगा। अगर देखिए आप जीके में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो दोस्तों पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले उठानी है आपको लूसेंट की जीके बुक। सॉरी, थोड़ा तबीयत सही नहीं है मेरी। दोस्तों सबसे पहले उठानी है आपको लूसेंट की जीके की बुक। इसमें क्या करना है, इसको कम से कम कोशिश करनी है आपको 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, 3 से 4 बार। अगर दोस्तों आप इसको ना भी पढ़ोगे तो बताऊंगा मैं, तो भी काम चल सकता है। और दूसरा दोस्तों काम करना है आपको कि जो हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट चल रही है, वहाँ दोस्तों मैंने पहले ही आपसे बोला हुआ है कि आपके एग्जाम से कम 1 हफ्ते पहले तक, देखिए जितनी आपकी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, स्टैटिक जीके आपको हो गया, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, तो दोस्तों इन सब की टेस्टिंग हमारे चैनल पर चल रही है। अब देखिए दोस्तों, सामान्य विज्ञान में क्या है, यहाँ पर सामान्य विज्ञान से आपके 102 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें मैं पहले ही ऑलरेडी 5-10 वीडियो बना चुका हूँ, आप केवल उसको देख लीजिए पढ़ना है तो, ठीक है? उसके अलावा कहीं ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है सामान्य विज्ञान पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे किसी खोज आ गया, कोई मात्रा का आपका आ गया, कोई रोग आ गया, ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन आए, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। अब देख कंप्यूटर हमारी चीज चल रही है, यहाँ पर ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, उनको जाकर देख सकते हो आप। यहाँ पर कम से कम 25 वीडियो के आसपास आपको मिलेंगी, ठीक है। यूपी जी के 12 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए ऑलरेडी। स्टडी जी के क्या है, इसमें जैसे आपका इतिहास का पार्ट है कुछ, उसमें इतिहास में कवर करा दूंगा, ठीक है। जैसे अनुसंधान संस्थान है वो लगभग मैंने सारे कवर करा दिए आपके, और जो टॉपिक हैं आपके उससे ज़्यादा कुछ नोट्स द्वारा दे दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, और या कुछ आपकी वीडियो बना दूंगा। यानी 15-17 वीडियो तो इसकी ऑलरेडी बनी हुई है स्टडी जी के की, ठीक है। अगर कुछ बच जाएगा तो उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और बात करें राजव्यवस्था, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और इसमें 4-5 वीडियो और बनेंगी, उन 4-5 वीडियो में आपका पूरा जो आपका राजव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग 8-10 वीडियो में आपका अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते। और बात करें दोस्तों भूगोल की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपके लिए 10 वीडियो भारत के भूगोल की और 10 वीडियो आपके विश्व के भूगोल की कंप्लीट करा चुका हूँ भूगोल में, और यहाँ पर मान चलो लगभग 8-10 वीडियो आपको और मिलेंगी, उसमें पूरा भूगोल आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा जो इतिहास है वो पीछे चला हुआ है, क्योंकि अभी तबीयत सही नहीं, इसे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो यहाँ पर इतिहास में 3-4 वीडियो बना दी मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है इतिहास में आपको, क्योंकि इतिहास प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक थोड़ा आपका ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये काम करना है, जितनी हमारी वीडियो हैं आपको लगातार हमें सब वीडियो की प्लेस बनी हुई है, वो सारी आपको देखनी है एग्जाम तक। क्या करना है, पहले तो आपको वीडियो देखनी है, और साथ ही आपको वीडियो देखते देखते आपको जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ उसके नोट्स भी आपको बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बना के आप कोशिश करें कि एग्जाम से कम 3 से 4 बार उनको आप रिवाइज कर लो, क्योंकि देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं सब आपको कवर करा दूंगा। अगर केवल आपने इतना अच्छे से कर लिया तो मैं दोस्तों गारंटी कह सकता हूँ कि लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास कम से कम आपको हमारे इन नोट्सों से मिल जाएंगे। और साथ ही मैंने बताया आपको कि करंट अफेयर की जो PDF है वो दोस्तों मैं आपको 25 मई को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, 25 मई को करंट अफेयर की PDF। और क्या करना है आपको, जो करंट की PDF है हमारी उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार। तो अगर केवल आप इतना काम कर लोगे तो यकीन से कह सकता हूँ कि 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी तो, ठीक है। इतना काम आपको करना है। और दोस्तों देखिए, अगर मान लो आपको ज़्यादा कमजोर है जीके, तो आप कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आप दें जीके को। जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी अगर ठीक ठाक है तो हिंदी में क्या कर सकते हो आप, अगर हिंदी में अगर डेली आप 1.5 घंटे पढ़ोगे तो भी आपके लिए सफिशेंट है। 1.5 घंटे हिंदी पढ़ो, और रीजनिंग की बात की जाए लगभग 3 घंटे रीजनिंग पढ़ो आप, और मान लो जीके मान लेते हैं आपको 4 घंटे,
तो 4-3 हज़ार नहीं लगभग आपका 8.5 घंटे हो गया। तो दोस्तों इतना घंटे आप पढ़ सकते हो, अगर आपको जॉब अगर नहीं करते हो तो 8.5-9 घंटे आप दिन में पढ़ सकते हो आराम से 1 महीने। क्योंकि दोस्तों जो 1 महीना है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि देखिए पूरी संभावना जो आपका वीडियो का एग्जाम है वो 18 जून को आपका हो जाएगा। और आप नोटिस के इंतजार में मत रहिए कि नोटिस आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो लास्ट में पूरा लिंक डाल दूंगा मैं आपको, उसमें जाकर जो आपके इतिहास भूगोल वगैरह हो गए वहाँ से हमारी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो।